हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आपका अपना स्टोरी अड्डा किड्स स्टोरी जंक्शन पर आपका स्वागत है। आज की कहानी का नाम है गंगा माँ की महिमा। सालों पहले की बात है, काशी नगरी में एक मोची रहता था। उसका नाम था जमुनादास और वह मोची का काम करता था। वह काफी नेक दिल और ईमानदार इंसान था। हर किसी की मदद के लिए हरदम तैयार रहता था। उसके पास कोई भी मदद मांगने के लिए आए तो उसे उदास होकर नहीं लौटना पड़ता था। एक दिन मोची जमुनादास रोज की तरह अपना मोची का सामान लेकर अपनी दुकान में बैठा हुआ था। उसके पास एक ब्राह्मण आया और अपना जूता सिलने के लिए दिया। जूता सिलते हुए जमुनादास ने ब्राह्मण से पूछा, आप कहाँ से आए हैं। ब्राह्मण देव ने जवाब दिया, मैं यमुना तट से यहाँ गंगा माँ के दर्शन करने और नहाने आया हूँ। एकदम से मोची जमुनादास ने पूछा, क्यों, आज यमुना नदी में पानी खत्म हो गया है क्या। ब्राह्मण यह बात सुनकर हैरान हो गया। उसने जमुनादास से कहा, तुम गंगा तट पर रहते हो और ऐसी बात कर रहे हो। क्या तुम्हें गंगा माँ का महत्व नहीं पता। क्या तुम कभी वहां स्नान और दर्शन के लिए नहीं गए। जमुनादास ने जवाब दिया, ना मुझे महत्व पता है और ना मैंने कभी वहां स्नान किया है। जमुनादास आगे कुछ बोलता कि उससे पहले ही ब्राह्मण देव ने कहना शुरू कर दिया, गंगा तट पर रहकर ना गंगा माँ की शक्ति का पता है और ना कुछ और, तभी तो तुम्हारे भाग फूटे हुए हैं। उसके बाद ब्राह्मण ने जमुनादास को गंगा माँ की महिमा सुनाई। ब्राह्मण की बातें सुनने के बाद जमुनादास ने कहा, अपना मन साफ हो तो हर तट का पानी गंगा है। इतना कहने के बाद जमुनादास ने जल्दी से जूता सिला और ब्राह्मण से कहा, आपका जूता ठीक हो गया है। आप गंगा किनारे जाते हुए क्या आप मुझ पर एक एहसान करेंगे। ब्राह्मण देव ने कहा, जरूर बताओ क्या करना है। जमुनादास ने अपने जेब से एक साबुत सुपारी का टुकड़ा निकाला और कहा, आप जब गंगा में स्नान करेंगे तब उन्हें यह साबुत सुपारी अर्पण कर देना। ब्राह्मण देव ने जमुनादास के हाथ से वह सुपारी ली और गंगा के किनारे जाने लगे। वहां स्नान करने के बाद ब्राह्मण देव ने हाथ में सुपारी लेकर गंगा माँ को पुकारते हुए कहा, माँ यह जमुनादास ने आपके लिए भेजा है, इसे स्वीकार कीजिए। इतना कहकर ब्राह्मण देव ने उस साबुत सुपारी को गंगा में बहा दिया। थोड़ी ही देर में गंगा में एक हाथ बहते हुए आया और ब्राह्मण के पास रुक गया। उस हाथ में सोने का एक कंगन था। उसी समय एक आवाज आई, मेरी तरफ से यह कंगन जमुनादास को दे देना। गंगा माँ की तरफ से जमुनादास के लिए सोने का कंगन आता देख ब्राह्मण हैरान हो गया। दंग ब्राह्मण ने कंगन को हाथ में उठा लिया। कंगन हाथ में लेते ही ब्राह्मण के मन में लालच आ गया। उसने सोचा कि मैं यह कंगन जमुनादास को नहीं दूंगा। आखिर जमुनादास को पता ही कैसे चलेगा कि माँ गंगा ने उसे कंगन देने के लिए कहा है। इस सोच के साथ ब्राह्मण आगे बढ़ने लगा। कुछ दूर जाते ही उसके मन में हुआ कि अगर मैंने यह कंगन बेचा तो पूछताछ होगी और मुझ पर चोरी का इल्जाम लग सकता है। मैं सीधा यह कंगन राजा को देता हूँ, वो खुश हो जाएंगे और इनाम भी देंगे। इसी सोच के साथ ब्राह्मण सीधे राजमहल पहुंच गया। वहां पहुंचते ही राजा को प्रणाम करके उस ब्राह्मण ने उन्हें कंगन भेंट कर दिया। उस कंगन की चमक से राजा और वहां मौजूद दूसरे लोग दंग रह गए। राजा ने कहा, ब्राह्मण देव यह कंगन देखकर तो लग रहा है मानो यह स्वर्ग लोक का है। राजा ने वह कंगन अपनी पत्नी को दे दिया। पत्नी ने जैसे ही कंगन पहना वह खुश हो गई। तभी राजा ने ब्राह्मण से कहा, यह एक कंगन है, मुझे इसका दूसरा जोड़ी भी चाहिए। रानी दोनों हाथों में यह कंगन पहनेंगी तभी उनकी शोभा और बढ़ेगी।
यह सुनते ही ब्राह्मण के पसीने छूट गए। राजा ने तुरंत पूछा, क्या हुआ, आप परेशान क्यों हो गए? यह कंगन चोरी का तो नहीं है ना? तुरंत ब्राह्मण ने जवाब दिया, नहीं नहीं राजा साहब, यह चोरी का नहीं है। तब राजा बोले, ठीक है, आप आज शाम तक दूसरा कंगन लाकर मुझे दे दो, तभी मैं मानूंगा कि यह चोरी का नहीं है। जी राजा साहब, कहते हुए घबराया हुआ ब्राह्मण राजा के दरबार से निकल गया। राजा ने अपने कुछ सिपाही ब्राह्मण के पीछे लगा दिए ताकि उन्हें कंगन का सच पता चल सके। राजमहल से निकलकर ब्राह्मण सीधा जमुना दास के पास गया। उसने गंगा माँ द्वारा दिए गए कंगन, उसके मन के लालच और राजा की फरमाइश सबके बारे में जमुना दास को बता दिया। उसके बाद जमुना दास से पूछने लगा कि दूसरा कंगन कैसे हासिल होगा। जमुना दास ने ब्राह्मण की सारी बातें सुनने के बाद अपनी दोनों आंखें बंद कर ली। उसके बाद जमुना दास ने हाथ जोड़कर गंगा माँ से ब्राह्मण को बचाने की विनती की। एक मिनट के बाद जमुना दास ने अपने सामने रखी एक बाल्टी में हाथ डाला और उससे वैसा ही कंगन निकाल लिया। ब्राह्मण यह देखकर हैरान हो गया। उसका पीछा कर रहे राजा के सिपाही भी यह चमत्कार देखकर दंग हो गए। यह सब देखकर वो सीधे राजा के पास पहुंच गए और उन्हें सारी बात बता दी। इधर ब्राह्मण भी जमुना दास को धन्यवाद कहकर कंगन लेकर राजमहल निकल गया। वहां पहुंचते ही ब्राह्मण ने राजा को कंगन दे दिया। राजा ने उससे कुछ नहीं पूछा और चुपचाप कंगन ले लिया। कंगन लेने के बाद राजा खुद अपने सिपाहियों के साथ जमुना दास की दुकान पर गए और जमुना दास को गंगा माँ की भक्ति के लिए इनाम दिया। कहानी से सीख, इंसान सिर्फ दिखावा करके कुछ हासिल नहीं कर सकता, भक्ति मान सम्मान सब दिल से होना चाहिए। दोस्तों, रोज नई नई कहानियाँ सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल वाले बटन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें। धन्यवाद।